Students, welcome to the session of panoramic physics. Students, our topic of discussion today is moving coil galvanometer. अगर हमें पता लगाना है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं, then we can detect it with the help of a galvanometer. मान लीजिए, if there is a circuit over there, अगर हमने सर्किट में गैल्वेनोमीटर का यूज किया तो वी कैन इजली डिटेक्ट कि वहां करंट है या नहीं, बिकॉज गैल्वेनोमीटर हैज अ कैपेसिटी टू मेजर इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. बहुत छोटे से छोटे करंट को भी ये मेजर कर लेता है. इनफैक्ट इट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द करंट. ये करंट की सेंसिटिविटी को मेजर करता है. नाउ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अ टू यू शेप्ड horseshoe magnet and a soft iron core and a rectangular coil. And we know कि जब भी किसी current carrying coil को magnetic field में place करते हैं, whenever we place a current carrying coil in a magnetic field, it will experience a torque. उसका कैसा action होता है? Turning action, torque. Torque is experienced by a current carrying coil when placed in magnetic field. This is the diagram of your moving coil galvanometer. Basically it consists of soft iron core, magnets and magnet generate magnetic field. लेकिन होता क्या है, we know that torque is given to us. Torque का formula हमारे पास है. Now torque is basically NIBA sin theta. This we have already studied in our previous videos. We also discussed कि torque का formula क्या है, how moving coil or how a coil, current carrying coil experiences a torque in magnetic field. Now students, to get maximum torque, हमारे पास angle होना चाहिए theta should be 90 degrees. That is sin 90 will be 1. And therefore torque is maximum. हम चाहते थे हमें टॉर्क हर पॉइंट पर मैक्सिमम मिले. एंड दैट इज पॉसिबल. हाउ दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. बट कैसे? इट इज बेसिकली ड्यू टू द रेडियल फील्ड. एंड दिस रेडियल फील्ड इज क्रिएटेड बाय सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फोर्स. Now, what is cylindrical magnetic field? Students, let's understand the concept. हम चाहते हैं हमें टॉर्क मैक्सिमम मिले एट एवरी पॉइंट. एंड फॉर दैट थीटा शुड बी 90 डिग्री. मीन्स एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल शुड बी 90 डिग्री. बी मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए, एंगल शुड बिटवीन देम, इनके बीच में जो एंगल चाहिए थीटा शुड बी 90 डिग्रीज. एंड हाउ इट इज पॉसिबल, लेट्स सी. इफ दिस इज अ मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ टू सरफेस, वी आर जस्ट कंसिडरिंग अ सिंपल वे. तो अगर इसमें हम फील्ड की बात करते हैं, इट इज अ सिंपल फील्ड. इस तरह हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया. नाउ व्हाट हैपेंड इफ आई प्लेस अ सॉफ्ट आयरन और सम piece of iron in between these two, north and south, what will happen now? The field line will be like that. ये इस टाइप में कुछ field line हमें जाती हुई दिखेंगी, like that. Now, if I place a cylindrical core, a soft iron cylindrical core in the path, what will happen? Now, let's see. अगर हम cylindrical core path में place करते हैं, north, south,
if I placed a cylindrical core in its path. Now it will be like that. The thing will be like that. If I go for its, अगर हम अपर व्यू की बात करें, इट विल बी लाइक दैट, यह हमें कुछ इस तरह लिखेगा जाता हुआ. इट सीम्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमर्जिंग फ्रॉम रेडियस, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द रेडियस. ये रेडियस की ओर जाती हुई और आती हुई हमें दिखाई देगी, दीज आर मैग्नेट लाइन्स. इट सीम्स दैट दे आर कमिंग आउट एंड गोइंग इनवर्ड टूवर्ड्स द रेडियस, रेडियस से आती हुई हमें दिखाई दे रही है. दैट्स वाई this type of field is known as radial field. Basically radial field is responsible for the working of moving coil galvanometer. Iska sabse bada benefit hai ye theta ko 90 degree rakhta hai, means radial field ke karan hi angle between magnetic field B and एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल, एरिया वेक्टर ऑफ अ कॉइल हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री. थीटा हर पॉइंट पे 90 डिग्री आपको मिलेगा. ये किसके कारण पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ रेडियल फील्ड के कारण. डेफिनेशन ऑफ रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड इज मेड विद द हेल्प ऑफ सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फोर्स. सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फोर्स मीन्स विच इज क्रिएटेड बाय द सॉफ्ट आयरन कोर, दैट इज योर मेटल सिलेंडर विच इज placed inside that galvanometer, which is placed around that rectangular coil के साथ वो placed था अपना सिलेंडर, मेटल सिलेंडर. होगा क्या, जैसे कॉइल रोटेट करेगी सिलेंडर विल ऑल्सो रोटेट, जिसके कारण क्या क्रिएट होगा, इट विल क्रिएट अ सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगी. एंड बाय प्लेसिंग अ मेटल सिलेंडर, then what will happen, direction of magnetic field is towards its center or away from the center. जैसे कि अभी हमने देखा था कि रेडियल फील्ड में क्या था, ऐसा लग रहा था कि along the radius magnetic field lines जो हैं spread हैं, along the radius it seems they are emerging out of the radius, radius की line में emerge हो रही हैं, they are seems to be coming out from the radius. इसलिए इस field का नाम क्या पड़ गया, it may be toward the center or away from the center. It is in the direction of radius and hence this field is known as radial field. Again students, radial field is made with the help of a cylindrical magnetic force and direction of magnetic field is towards the center or away from the center. It's very important. Ya to center pe hoga ya away from center. Aisa lag raha hai ki its direction is towards the radius and hence is field ka naam pad gaya radial field. Now what are the benefits of radial field? के सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ रेडियल फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ए के बीच के एंगल को हमेशा ये कांस्टेंट रखेगा, दैट इज थीटा विल बी 90 डिग्री, द टॉर्क विल बी एन आई बी. इस फॉर्मूले से एक बात पता चलती है कि टॉर्क डज नॉट हेयर showing the dependence on theta. यहाँ torque theta पे dependence show नहीं कर रहा है. Though turning action of the coil is there, but torque की dependence है सिर्फ N, I, B and A पे. Now we'll start with the working of moving coil galvanometer. इसकी working कैसी है? It's very very easy and important. Basically इसमें सबसे important concept था radial field का. Now its working is very simple. Whenever a coil rotates in magnetic field, radial field create होगा. रेडियल फील्ड के क्रिएट होने से टॉर्क बना. नाउ पर टॉर्क कैसा बनेगा इसमें स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क. आपने देखा था कि कॉइल वाज अटैच्ड, अगर अपर लेयर में फॉस्फोरस कॉइल थी एंड यहां पे हेयर स्प्रिंग था, व्हेन द टर्निंग एक्शन इज देयर व्हाट विल हैपन, दिस कॉइल गेट ट्विस्टेड. इसके ट्विस्ट होने के कारण, बार बार ट्विस्ट होने के कारण व्हाट विल हैपन, यू हैव सीन अ टॉय कार, उसमें क्या होता था, हम चाबी को घुमाते थे और जितनी बार उसको ज्यादा घुमाते थे व्हाट हैपन, उसमें टर्न्स आते थे एंड व्हेन वी लीव दैट की तो कार आगे मूव करती थी. एंड दैट इज सेम थिंग इज हैपनिंग, क्या होगा जब कॉइल रोटेट करेगी, देयर विल बी ट्विस्ट. तो दो तरह की टॉर्क क्रिएट होगी. बेसिकली इट्स वर्किंग इन्वॉल्व्स व्हेन करंट आई फ्लोस थ्रू अ गैल्वेनोमीटर. अगर हम बात करें व्हेन करंट आई फ्लोस थ्रू अ गैल्वेनोमीटर,
a torque is created. क्योंकि गैल्वेनेटिक क्वाइल जब रोटेट करेगी there will be a torque. Due to this torque, अब इस torque से क्या होगा जब क्वाइल रोटेट करेगी and क्वाइल is attached to two things, that is spring and phosphorus at the top get twisted. ये क्वाइल जो थी वो अटैच थी फोस्फोरस रिंग से स्प्रिंग से एंड हेयर स्प्रिंग से. तो जब क्वाइल रोटेट करेगी तो स्प्रिंग भी रोटेट करेंगे, दे विल गेट ट्विस्टेड. बोथ द स्प्रिंग्स विल क्रिएट एन ऑपोजिट टॉर्क इन रिएक्शन. ये स्प्रिंग्स क्या क्रिएट करेंगे? ऑपोजिट टॉर्क इन रिएक्शन. एंड विद रोटेशन दिस टॉर्क गोज ऑन इंक्रीजिंग. जैसे जैसे रोटेशन होगी दिस टॉर्क विल गोज ऑन इंक्रीजिंग. And this torque is given to us by K phi. And here the K is the torque per unit rotation. यहाँ पे K क्या है? This is the torque per unit rotation angle created by opposite springs. Basically, torque बनी कैसे? ये torque बनी angle created by an opposite springs के कारण ये torque बनी. So basically, working बहुत simple है इसकी. जब coil rotate करेगी, torque create होगी. उसके कारण स्प्रिंग्स ट्विस्ट होंगे और उनके कारण भी एक ऑपोजिट टॉर्क क्रिएट होगी एंड द वर्किंग विल प्रोसीड. स्टूडेंट्स लेट के बी द टॉर्क पर यूनिट रोटेशन. हमने अभी देखा था टाउ इज इक्वल टू के फाई. लेट के बी द टॉर्क पर यूनिट रोटेशन. फाई इज द एंगल ऑफ रोटेशन. वैल्यू ऑफ फाई बिकम्स सो लार्ज दैट टॉर्क क्रिएटेड बाय स्प्रिंग बिकम्स इक्वल टू टॉर्क बाय द कॉइल. फाई इज द एंगल ऑफ रोटेशन. अब होगा क्या? एंगल ऑफ रोटेशन एक बार एक ऐसे पॉइंट पे इतना ज्यादा हो जाएगा सो दैट स्प्रिंग बिकम्स इक्वल टू टॉर्क क्रिएटेड बाय स्प्रिंग बिकम्स इक्वल टू टॉर्क बाय कॉइल एंड द रिजल्टेंट इज जीरो एंड द कॉइल स्टॉप्स रोटेटिंग और कॉइल रोटेट करना बंद कर देगी. इट मींस एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा. किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाएगा? टॉर्क ड्यू टू करंट एंड टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग के बीच में. एंड टॉर्क ड्यू टू करंट क्या थी? टॉर्क ड्यू टू करंट वाज एन आई BA and torque due to spring was K phi. Now equilibrium is there right here. Torque due to current. Now here it is torque due to spring. एक torque current ने बनाई, एक torque spring ने बनाई. It's very easy to remember. It's working. सिंपल सी बात है. जब क्वाइल रोटेट करेगी करंट के कारण तो एक टॉर्क तब बनेगा, एक टॉर्क स्प्रिंग के कारण बनेगा. जो करंट के कारण टॉर्क बनेगा वो बनेगा एन आई बी ए. जो स्प्रिंग के कारण बनेगा इज के फाई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वी इक्वेट इट? वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम दिस. नाउ हियर द नेक्स्ट स्टेप इज नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई. हियर आई विल बिकम इक्वल टू K N B A phi. And here I is directly proportional to phi. That is, current depends upon the angle of rotation. Current depends upon the angle of rotation. Here K N B A are constants. These are known as constants. इनकी value क्या आ जाएगी students? Now the value of K, N, B and A. ये सब constants हैं and this value is equal to G के बराबर. That is your galvanometer constant. That is equal to K, N, B, A. अगर हम इस above equation से replace करें तो here I equal to proportional को हटाने के लिए the constant here will be G phi. Here this G is galvanometer constant. In order to calibrate any type of galvanometer in market, basically variation किस में आती है? I and phi की values में ही variation आती है. In order to calibrate any type of galvanometer. So we have seen here how the galvanometer works. इसमें सबसे important part था student, that is your radial magnetic field. Radial magnetic field कैसे work out करता है? वही सबसे important part था. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ही टॉर्क इसमें जनरेट करता था. हमें टॉर्क क्या चाहिए? हर पॉइंट पे मैक्सिमम चाहिए. तो वो कौन पूरा करता था वो कंडीशन? दैट इज योर रेडियल फील्ड. वो हमें रेडियल फील्ड बताता था.
रेडियो फील्ड को क्लोज करने के बाद हम इसकी वर्किंग बहुत सिंपल हो गई हमारे लिए कि अब करंट के कारण टॉर्क जो बनी दैट इज योर NIBA एंड जो आपके डिफ्लेक्शन के कारण टॉर्क बनी थी दैट इज K phi हमने इक्वेट किया वी गॉट द वैल्यू ऑफ करंट सो दिस इज द योर फाइनल एक्सप्रेशन दैट इज करंट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन सो स्टूडेंट्स रिवाइज गैल्वेनोमीटर थोरोली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इजिएस्ट कॉन्सेप्ट